Children, today we will start chapter 14 of geography, the changing face of the earth. अब इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे factors होते हैं जो हमारी earth के surface पे change लाए हैं, पहले कैसी हमारी earth थी और अब कैसी हुई है, उनके क्या factors हैं जिससे change हुआ है. Our earth is changing every moment, but the changes in general are so minor and slow that a person cannot comprehend or experience them during his lifespan. अब जो हमारी अर्थ है वो हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है, बट एज अर्थ भी बहुत बड़ी है और ये जो चेंजेस होते हैं वो इतने माइनर हैं, इतने छोटे हैं और इतने स्लो प्रोसेस के साथ होते हैं कि एक बंदा अपनी लाइफ टाइम में उनको एक्सपीरियंस या उनको समझ ही नहीं सकता है. पर अर्थ हर मोमेंट पर चेंज होती है, बट बहुत ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत स्लो और माइनर होते हैं. द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ में अपीयर टू बी स्टैटिक एंड स्टेबल टू अ कॉमन मैन, बट एक्चुअली देर आर मेनी चेंजेस अकरिंग कॉन्टीन्यूसली इन साइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द अर्थ. अब जो एक्सटीरियर है अर्थ का वो बहुत स्टेबल दिखाई देता है, बहुत स्टैटिक मतलब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस होते हुए नहीं दिखते हैं, बट बहुत ऐसे चेंजेस हैं जो कंटिन्यूसली अकर होते रहते हैं आउटसाइड ऑफ द अर्थ एज वेल एज इनसाइड ऑफ द अर्थ. अब चेंजेस ऑफ अर्थ सरफेस के लिए काफ़ी ऐसे सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज करी थी इस नेचर ऑफ अर्थ पे, और जो सबसे एक्सेप्टेबल थी, जो मतलब सबसे सही लग रही थी, बिकॉज कोई विटनेस करने के लिए तो उस टाइम पर था नहीं जो इस समय बता सके कि कौन से चेंजेस हुए थे अर्थ में. तो सम साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज लाते हैं और जो सबसे एक्सेप्टेबल है, जो सबसे सही लगती है, वो थ्योरी है बाय अल्फ्रेड वेजनर, अ जर्मन मीटरोलॉजिस्ट इन 1912. तो एक अल्फ्रेड वेजनर था, वो जर्मन मीटरोलॉजिस्ट था और उसने ये थ्योरी लाई थी 1912 में. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट कि आप ये न्यू वर्ड्स पहले पढ़ें, क्योंकि तभी हम लोग को पता चलेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे यूज़ होते हैं. जब वो वर्ड यूज़ हो तो हमें उनका मतलब भी पता हो. द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, मूवमेंट ऑफ रॉक्स अंडर द क्रस्ट. जो रॉक्स की मूवमेंट है क्रस्ट के अंदर, अभी हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में करा भी था व्हाट इज क्रस्ट. सो मूवमेंट जो होती है रॉक्स की अंडर द क्रस्ट, उनको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. वी विल फर्दर स्टडी अबाउट दिस. वोल्केनिसिटी, इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो. जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तब उसको बोलते हैं वोल्केनिसिटी. सीस्मोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. अब हमें पता है कि कभी 6.8 का भूकंप आया या कभी 2.3 बहुत छोटा सा आया, तो हम मेजर कैसे करते हैं? ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीस्मोग्राफ. तो सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इंटेंसिटी पता चलती है एक अर्थक्वेक की. फोकस द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक. अब काफ़ी सारे चीज़ों के लिए फोकस यूज हो सकता है, बट ओवर हेयर इन दिस चैप्टर द वर्ड फोकस ऑफ अ अर्थक्वेक इज कि कहाँ पे ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का, क्योंकि जहाँ पे ओरिजिन होगा उधर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी बजाय जहाँ फोकस कम है. एपिसेंटर, पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस. नाउ दीज आर सम फोकस एंड एपिसेंटर, ये सब फिजिकल टर्म्स के हैं, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, बट ओवर हियर इन दिस चैप्टर हम ये अर्थक्वेक से रिलेट कर रहे हैं और ज्योग्राफी से. एपिसेंटर, पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस. एक अर्थ का पॉइंट अबव, जस्ट अबव द फोकस, उसको बोलते हैं एपिसेंटर. व्हाट इज अ रिक्टर स्केल, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. सीस्मोग्राफ से इंटेंसिटी मेजर होती है और रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड. लाइक विद द हेल्प ऑफ बोथ चीज़ों से, लाइक सीस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, दोनों से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कैसा आया था. नाउ
जो मैंने सीस्मोग्राफ पे बात करी थी वो सेम रिक्टर स्केल पे अप्लाई होते हैं, पर रिक्टर स्केल हमें बिल्कुल पूरा मैग्नीट्यूड देता है, सीस्मोग्राफ तो ये बताता है बस कि यू नो देर आर सर्टेन लाइन्स। आई कैन शो यू दिस, दिस इज़ अ सीस्मोग्राफ। तो जब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है तो इसकी लाइन्स ऐसे 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 जाती हैं, जब नहीं आ रहा होता है तो बिल्कुल सीधी आती है, बहुत हल्का सा हो रहा है तो बहुत हल्का सा ही इट गोज। बट अ रिक्टर स्केल वो हमें बिल्कुल ट्रू वैल्यू देता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। लावा मोल्टन रॉक्स विच कम आउट फ्रॉम अ वॉल्केनो उसको लावा बोलते हैं, और मैग्मा उसको बोलते हैं जब वो बाहर आ जाता है। तो डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ बिटवीन लावा एंड मैग्मा, है दोनों सेम ही चीज़, बट किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बात कर रहे हो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो वी हैड डन टिल हियर, हमने देखा कि काफ़ी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज को आगे रखा कि कैसे नेचर ऑफ अर्थ, कौन से फैक्टर्स थे जो चेंज लाए अर्थ में, और सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी थी वो थी अल्फ्रेड वेजनर की, जो एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट था और उसने अपनी थ्योरी दी थी 1912 में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक अभी मैं बस आपको डीप में नहीं जा रही हूँ, अभी मैं उसमें आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। लाइक इट इज़ सपोज कि पहले ऐसे कॉन्टिनेंट सब सब जुड़े हुए थे, पर वो स्पैन ऑफ टाइम के साथ वो अलग अलग हो गए, तो ड्रिफ्ट हो गए। कौन ड्रिफ्ट हुआ? कॉन्टिनेंटल, वो दूर दूर हो गए, ड्रिफ्ट करते करते वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो इसी थ्योरी को इसलिए बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होकर चले गए थे। नाउ अल्फ्रेड वेजनर प्रपोज दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस बहुत सारे साल पहले, एक जो सारे लैंडमार्क्स थे वो सब जॉइंट थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया। सो आई विल डू टिल हियर ओनली, लेट मी एक्सप्लेन दिस। उसने बताया, अल्फ्रेड वेजनर ने बताया कि बहुत हजारों साल पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट थे, मतलब वो एक ही कॉन्टिनेंट थे। अभी हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, पहले ऐसे नहीं था, पहले सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे साथ में, और उस जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स को बोलते थे पैंजिया। ओके, वी विल डू टिल हियर ओनली एंड कंटिन्यू विद द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन द नेक्स्ट क्लास।